हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा वी विल स्टडी नाउ द चैप्टर नंबर 12 एलजेब्रिक ऑफ एक्सप्रेशंस की एक्सरसाइज 12.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 3? बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है कि सिंप्लीफाई करना है। इसे सिंप्लीफाई करना है, -3/2a ब्रैकेट 2a -3b +4c -5/6 a ब्रैकेट 3a -2b -4c एंड वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -2 एंड सी इक्वल टू -1। इनके लिए हमें इसे वेरीफाई करना है। बेटा वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले इसके लेफ्ट एंड राइट को वैल्यू को एग्जिस्ट करते हैं, उससे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये है -3/2a ब्रैकेट 2a -3b +4c ब्रैकेट -5/6 a ब्रैकेट 3a -2b -4। सबसे पहले इस -3 अपॉन 2a की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्स्टेंट की कॉन्स्टेंट में मल्टीप्लाई करें तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, a इंटू a करेंगे तो a स्क्वायर हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 3 × 3 9, माइनस माइनस प्लस तो प्लस की 9/2 a इंटू b तो a भी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 × 3 = 12/2 आ गया ये और ए सी आ जाएगा, -5 इससे 3 से डिवाइडेड कर देते हैं 6 को, जब 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 आ जाएगा तो 5/2 a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस 2 से 6 को डिवाइड किया 3 तो 5/3 ए बी तो 5/3 ए बी हो गया। ये माइनस माइनस प्लस 2 × 2 = 4, यहाँ से 4 की मल्टीप्लाई 6 में कर रहे हैं तो 20/6, क्योंकि 5 × 4 = 20/6 / 2 से तो 10/ कितना आ गया 3, और क्या आ गया बेटा a, ये रिजल्ट आ जाएगा। इसमें ये वैल्यू थी जिसको हम और सिंप्लीफाई कर देते तो ये 6 ए सी आ जाती। अब हम चेक करें, ये -3a² यहाँ a स्क्वायर है, इनको एक तरफ ले लेते हैं, -3 माइनस के 5/2 ब्रैकेट a स्क्वायर हो गया, प्लस ये भी है लाइक टर्म में, ये भी है तो ये कितने हो गए 9/2 प्लस 5/3 ए बी हो गई है, 6 माइनस के ए सी है ओनली, और ये सिंगल ए टर्म वाली वैल्यूज है तो इनको अलग ले देते हैं, -6ac प्लस 10/3 a। इसके अंदर जब हम इन्हें हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं 2 × 3 = 6 तो माइनस के 6 और 5 -11/2 ए स्क्वायर, इनके लिए एलसीएम ले लेते हैं तो 9 × 3 = तो ये 27 हो जाएंगे और 2 × 5 = 10, 27/10/6 ए बी -6ac प्लस 10/3 a। तो ये हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। अब ये हमारे लिए क्या है, आरएचएस है। अब हम इसे वेरीफाई कर रहे हैं। जब किसी रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं तो सबसे पहले हम इनके लिए वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं इसके लेफ्ट हैंड में, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन है। एलएचएस पोर्शन क्या है, ये जो पोर्शन है -3/2 × a, ए की वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 रख देते हैं, ब्रैकेट 2 × 1 -3 ब्रैकेट, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -k² तो यहाँ -k² रख दिया, प्लस 4 × c की वैल्यू कितनी है -1, ये हम इसको क्लोज कर देते हैं। ऐसे माइनस का है -k 5/6 मल्टीप्लाई a कितने है 1 ब्रैकेट 3 × a तो 3 × 1 हो गया 3 × 1, यहाँ पे फिर -2 ब्रैकेट्स -k 2 -4। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं, ये बेटा हम सोल्व करेंगे तो 2 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस प्लस के 6 हो गए तो 2 + 6 = 8, 8 में से -4 लेस देन कर देते हैं तो 8 में से 4 जाएंगे तो कितने बचे 4 बच गए तो -k 3/2 मल्टीप्लाई कितना आ गया बेटा 4 हो गया, ये तो ये रिजल्ट एंड आ गया। फिर यहाँ माइनस हो गया, इसे सोल्व करेंगे तो 3 हो गया, ये प्लस के 4 हो गया, 3 × 4 = 7, 7 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा 7 में से 4 जाके बचे 3 तो -k 5/6 × 3। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं, इसे सोल्व करेंगे 2 से डिवाइड किया 6 तो -k 6 हो गए, ये -k क्योंकि 3 × 2 = 6 तो -k 5/2 हो गए। अब इसे सोल्व कर लेते हैं तो 2 6 = 12 और 5 17 तो -k 17/2।
ये इसके लिए रिजल्टेंट आ गया सेम एज। जब हम RHS में ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी कितनी आ जाएगी, माइनस के 17/2। तो LHS RHS के क्या आ जाएंगे इक्वल, जब LHS RHS के क्या होगा इक्वल, क्योंकि ये रिजल्टेंट हम इसके इस रिजल्ट में पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू में, तो इसकी वैल्यू भी ये आ जाएगी, लेफ्ट हैंड भी रिजल्टेंट इतना आ रहा है, तो दोनों जब इक्वल होंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड के, तो रिजल्ट क्या होगा बेटा, वेरीफाई।